तहसील के अंतर्गत आने वाले सिहोरा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले ग्राम वारपेड़ के वास्ते बावनथड़ी नदी किनारे पर अवैध रेत ट्रैक्टर पर उपविभागीय अधिकारी रश्मिका रॉय ने कार्रवाई की। कुछ दिनों से लगातार अवैध रेत चोरी की बात आ रही थी, जिसको देख तुमसर तहसील के उपविभागीय अधिकारी रश्मि तराव के उचित मार्गदर्शन में सिहोरा पुलिस स्टेशन के थानेदार गोसावी के साथ अवैध चल रहे रेती घाट पर 13 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करके हिरासत में लिया गया। आगे की जांच चल रही है। नमस्कार, मैं एसडीपीओ तुमसर। आज सुबह गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिलने पर मैं एसपी सर के परमिशन से रेती घाट वारपिंड के पार पे जाने से पहले अपना पीएस सिहोरा का थानेदार और स्टाफ उनको इन्फॉर्म करके उसके बाद महसूल डिपार्टमेंट के एसडीएम तुमसर, फिर तहसीलदार तुमसर और उनके जो भी स्टाफ उनको लाना चाहिए उनको भी इन्फॉर्म करके फिर हम सभी लोग रेती घाट वारपिंड के पार पे पहुँचे थे और वहाँ पे हमको रेड हैंडेड खूब सारे ट्रैक्टर्स में रेती भरते हुए लोग दिखे थे और हमको देखते ही हम दो डायरेक्शन से हमारा पुलिस स्टेशन से अरेंज किए हुए प्राइवेट गाड़ियाँ दो डायरेक्शन से उनको घेर लिया था। फिर भी हमको देखते ही गाड़ी छोड़ के गाड़ी से रेती खाली करके लोग इधर उधर भागने लगे क्योंकि रेती घाट में काफ़ी सारे जगह ओपन थे तो इधर से उधर से भागने लगे। फिर हमने लेकिन तब तक ट्रैक्टर्स भी गिन लिया है और किस किस से कितना रेती गिराया है वो भी हमने देख लिया है तो उस हिसाब से सारा जितने भी ट्रैक्टर वहाँ पे मिले हैं और हमारे जाते वक्त रास्ते पे भी हमको एक ट्रैक्टर मिला वहाँ से भागते हुए। इसका मतलब हमारा एक डायरेक्शन का गाड़ी देख के दूसरे डायरेक्शन से लोग भागने लगे तो वो भी हमने जब्त किया है। अभी टोटल हमारे स्टेशन में जो जब्त गाड़ी है 13 गाड़ी है और उसमें से खूब सारा रेती भरा हुआ है और वहाँ गिराया हुआ रेती को भी जब्त करने के लिए मसूल डिपार्टमेंट ने दक्षता लिया है। तो अभी हम स्टेशन में जॉइंट एक्शन बोल के केस दर्ज करने वाले हैं और कार्रवाई शुरू है। थैंक यू। एनबीसी न्यूज़ के लिए तुमसर से संवाददाता की रिपोर्ट।